आप देख रहे हैं ग्रामीण न्यूज़ यूपी ईशान उत्तर प्रदेश मऊ जिला रतनपुरा के करीब अवध पब्लिक स्कूल हाईवे रोड राजधानी रोड पे इस समय खड़े हैं और भाजपा के कार्यकर्ता यहाँ है। यूं कह दिया जाए तो आप भाजपा के महोदय जी नुपुर अग्रवाल जी यहाँ हैं, जिला अध्यक्ष, इनसे बात होगी कि आप लोग इतने कड़की धूप में इंतजार किसका कर रहे हैं। अब इंतजार किसका कर रहे हैं, चलिए आपको ले चलेंगे वहीं, बताएंगे कि इंतजार इस कड़की धूप में किसका हो रहा है। नुपुर अग्रवाल, भाजपा मऊ। इंतजार किसका हो रहा है? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्वच्छता अभियान 2024 का संगठन महापर्व चलाया जा रहा है और इसी क्रम में 2 तारीख को माननीय मोदी जी ने स्वच्छता दी थी। यह जो क्रम होता है भाजपा में अभियान चलाने का, ये हर 6 वर्षों का होता है और इसी क्रम में आज हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के लोकप्रिय कैबिनेट मंत्री ऊर्जा एवं नगर विकास माननीय श्री के शर्मा जी का रतनपुरा की धरती पर आज यहाँ आगमन हो रहा है इसी स्वच्छता अभियान को लेकर के। माननीय मंत्री जी के द्वारा आज कई हमारे भाजपा के कार्यकर्ताओं को पुनः स्वच्छता दिलवाई जाएगी। इसी क्रम में आज यहाँ पर हमारे बीच में जिले के महामंत्री श्री राकेश मिश्रा जी, जिले के महामंत्री श्री रामाश्रय मौर्य जी, ब्लॉक प्रमुख हमारे कृष्णा राजभर जी, प्रदीप जायसवाल जी, आकाश मल्ल जी, सभी यहाँ पर उपस्थित हैं। तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर मंत्री जी का इंतजार कर रहे हैं और हम लोग उनको यहाँ से काफिले के साथ लेते हुए इस अभियान में एक साथ। यहाँ तो आप लोग काफिला मुझे दिख रहा है, कैमरे पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ से आप लोगों को जाना कहाँ है, कहाँ तक उनको लेकर जाएंगे? रेलवे स्टेशन के पास जो काली मंदिर है वहाँ तक हम लोग जाएंगे। यहाँ से 2.5 किलोमीटर की दूरी है और ये पूरा काफिला माननीय मंत्री जी के साथ वहाँ तक जाएगा। और इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे मऊ जनपद का स्वच्छता अभियान बहुत ही तीव्र गति से और बहुत ही बढ़िया चल रहा है। इसका डाटा हम शर्मा जिंदाबाद विशेष सदस्यता पर्व की सभा में उपस्थित रतनपुरा और मऊ जिले के सभी भाइयों और बहनों, माताओं की और बहनों की विशेष संख्या यहाँ उपस्थित है, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ और उनके साथ अपने नौजवान मित्रों, अपने साथियों, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं, सभी पदाधिकारियों को भी मैं नतमस्तक प्रणाम करता हूँ। विशेष रूप से मंच पर हमारे साथ बैठी हुई हमारी भारतीय जनता पार्टी परिवार की बड़ी और अध्यक्ष हमारे जिला की श्रीमती नुपुर अग्रवाल जी को, हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष माननीय श्री मनोज राय जी को, हमारे बगल में बैठे हुए राकेश मिश्रा जी और आपके बीच के और जो इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक हैं, हमारे प्रिय मित्र हैं, हमारे भाई हैं रामाश्रय मौर्य जी को और तमाम हमारे जो वरिष्ठ जो बैठे हुए माननीय जोगिंदर है, हमारी पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं अखिलेश तिवारी जी, हमारे राघवेंद्र राय जी और इधर भी हमारे सभी वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं, सभी को मैं नमन करता हूँ। ग्राम प्रधान यहाँ रतनपुरा के हमारे सामने बैठे हैं, उनको इधर बैठाना चाहिए था लेकिन लगता है उन्हीं की बनाई हुई जगह है तो कम पड़ गई लगता है उनके लिए, और उनका भी स्वागत करता हूँ। रामाश्रय जी जो बता रहे थे कि इस क्षेत्र में पहली बार आना हुआ है, ये एक बात उन्होंने थोड़ा सा गड़बड़ बोल दिया, ये मेरा पहली बार आना नहीं हुआ है, कई बार मैं राजनीति में आने के बाद भी पार्टी कार्यक्रम में पहली बार आया हूँ। और एक और बताऊं मैं कि मैं रतनपुरा की मूंगफली और नमकीन बहुत खाया हुआ खड़े है, ये बड़ा गाँव, बड़ा गाँव पड़ता है पवन कुमार वो बड़ा गाँव, ये सभी हमारे जो नौजवान मित्र थे
वो सब हमको मिलते रहते थे और जगह जगह पे कहाँ रास्ते की आवश्यकता है, कहाँ रास्ता बनाने की आवश्यकता है, कहाँ रास्ते की मरम्मत की आवश्यकता है, ये सब काम रामहर्षि मौर्य जी के नेतृत्व में हमको यहाँ का मालूम पड़ता था और जितना मेरे से हो सका उतना रोड रास्ते हमने मंजूर किए। अभी मैं पवन को पूछ रहा था कि इनके गांव वाले जाने वाला जो रास्ता है वो रामहर्षि मौर्य जी और इन लोगों ने पवन ने हमको बताया था यहाँ से भीमपुर जाने वाली रास्ता भीमपुरा ये रास्ता का हालत जो लोग उस पर चले होंगे दो साल पहले इतनी हालत खराब थी, लेकिन इन लोगों ने बताया तो हमने इसको मंजूर करवा के अब लगभग वो रास्ता तैयार हो गया है, लगभग पूरा हो गया। इसी तरह गांव में भी, ग्रामीण क्षेत्रों में भी हमारे कई समाज के, पिछड़े समाज के कई कार्यकर्ता मित्र हमारे यहाँ थे। राम प्रवेश भी हमारे पास से कई बार रोड रास्तों की सिफारिश करके ले आते थे, उनका भी तो कई रास्ते बनवाए गए। लेकिन जो सबसे बड़ा काम और जिसको रामहर्षि भाई ने अपना एकदम पकड़ लिया था वो था बिजली की व्यवस्था को ठीक करने का काम। मुझे याद है दो बरस में जितना काम इन्होंने रतनपुरा में करवाया है वो मतलब काबिले तारीफ है। मैं तो हर हफ्ते इसकी एक नई डिमांड जो है, नई मांग जो है रतनपुरा क्षेत्र की बिजली की खड़ी हो जाती थी। मैं अब कई बार कहता हूँ भाई अभी तो आप बताए थे हम तो हो गया काम, नहीं साहब ये दूसरा काम है। और बिजली तो जानते ही है कि पहले की व्यवस्थाएं थोड़ी कमजोर थी, अब हम लोग उसको ठीक करने में लगे हुए हैं। आपको बेहतर बिजली मिले, 24 घंटा बिजली मिले, इसके लिए हमारा निरंतर प्रयास है। और गांव गांव, गली गली, शहर शहर में हम बिजली का खंभा लगाना, तार लगाना, ट्रांसफार्मर नया लगाना, ऊंची कवर करना, जैसा कि बता रहे थे, ये सब काम चल रहा है। लेकिन ये बात भी सही है कि जो जितना ध्यान आकर्षित कर पाता है वहाँ थोड़ा उतना बेहतर काम हो जाता है। तो उस मामले में मैं आप सबकी तरफ से रामहर्षि जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना दूंगा कि इन्होंने आपकी सेवा में हमको भी लगाया और खुद भी लगे रहे। तो ये सच में तालियों के और शाबाशी के हकदार है जो आपने अभी बजाई। आज का ये जो कार्यक्रम है, ये सदस्यता का जो महापर्व है उसके बारे में मैं थोड़ा आपको बताऊं, तो एक सप्ताह पहले भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी थी सदस्यों की संख्या की दृष्टि से। 2 सितंबर से ये नया अभियान शुरू हुआ है। 2 सितंबर को हम ऑलरेडी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी थे और हम चाहते हैं, अगर मोदी जी चाहते, नड्डा जी का मन होता तो वही चालू रहता, बड़ी बड़ी पार्टी बन गई है, जिसको अब नया बनना हो बनता जाएगा, अपना बड़ी पार्टी बनने का जो हमारी उपाधि है वो चालू रहेगी। लेकिन देखिए लोकतंत्र में यही सबसे बड़ा काम होता है, जनता को कैसे राजनीतिक व्यवस्था से जोड़ा जाए। हमारे नेताओं ने निर्णय किया कि भारतीय जनता पार्टी जो 2 सितंबर तक सबसे बड़ी दुनिया की पार्टी है उसके सभी सदस्यों की सदस्यता लुप्त मानी जाएगी 2 सितंबर के असर से, 2 सितंबर से। और अगर किसी को भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बने रहना है तो उसको अपनी नई जो है सदस्यता लेनी पड़ेगी। मोदी जी ने भी अपनी नई सदस्यता 2 सितंबर को लिया माननीय नड्डा जी के हाथों। योगी जी ने भी सदस्यता 3 सितंबर को हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के मार्फत लिया। हम सब ने अपनी अपनी सदस्यता का नवीनीकरण कराया है, नई सदस्यता हमको लेना पड़ा। अगर हम चाहते, पार्टी चाहे फिर से जनता को हमारे सदस्यता ग्रहण करानी है, फिर से नए सिरे से हमें सदस्य बनाने हैं और इस तरह से पार्टी का लोगों के साथ, जब वो हमारे कार्यकर्ता अल्पसंख्यक लोगों की बस्तियों में जाएंगे, अनुसूचित जाति की बस्ती में जाएंगे, हमारे अनुसूचित जनजाति की कॉलोनियों में जाएंगे, पिछड़े इलाकों में जाएंगे, रतनपुरा जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में आएंगे, बड़ा गांव जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे, तो जनता से हमारी पार्टी का जुड़ाव होगा, हमारे पदाधिकारियों का जुड़ाव होगा और आम जनमानस जो है, आम जनता जो है वो भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बन करके हमारी शक्ति को, हमारी संगठन की ताकत को और भी चार चांद लगाएंगे और भी बड़ा बनेगा। इस उद्देश्य के साथ 2 सितंबर को सबकी सदस्यता शून्य करने के बाद
पार्टी ने एक सदस्यता का महाअभियान महापर्व चलाया है, जिसके निमित्त हम सभी आपके बीच में आए हुए हैं और आप सबसे भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए हम आप सबसे निवेदन करने के लिए यहाँ आए। दूसरा एक बात बताओ, सदस्य क्यों आपको बनना चाहिए? अभी रामाश्रय जी कह रहे थे कि कुछ पार्टियां उनके नेता ऐसे हैं कि जो दूसरों का काम अपने खाते में लिखाने का काम करते हैं। अब मैं उसमें बहुत पढ़ना नहीं चाहूंगा।